हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट एफ जी पे। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं IOB यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के डेबिट कार्ड के डिफरेंट वेरिएंट्स और उनके जो चार्जेस है, चार्जेस मीन्स इशुएंस चार्ज, रिप्लेसमेंट चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो हम तीन वेरिएंट में देखेंगे रुपए में हम दो कार्ड देखेंगे, दो वेरिएंट क्लासिक और प्लैटिनम। वीजा में हम देखेंगे क्लासिक, गोल्ड, सिग्नेचर एंड प्लैटिनम। और मास्टर कार्ड में हम सिर्फ एक वेरिएंट जो IOB प्रोवाइड करती है, गोल्ड। अब हम चलिए एक एक करके इन सब की खूबियाँ देखते हैं। इनके विड्रॉल लिमिट क्या है, इनकी POS और ई-कॉम ऑनलाइन शॉपिंग अब डेली लिमिट क्या है, और इनकी इंश्योरेंस रिप्लेसमेंट और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रुपए क्लासिक कार्ड। रुपए क्लासिक कार्ड एक प्री जनरेटेड कार्ड होती है जिसमें आपका नाम नहीं लिखा रहता है। ये कार्ड आपको ब्रांच में इंस्टेंट मिल जाता है अकाउंट खोलने के साथ। ये पर्सनलाइज्ड कार्ड नहीं होती है और इसकी जो डेली विड्रॉल लिमिट होती है वो 20,000 रुपये होती है। आप ATM से एक दिन में 20,000 रुपये निकाल सकते हैं और POS में स्वाइप कर कर या ई-कॉम में ऑनलाइन पेमेंट आप एक दिन में मैक्सिमम 50,000 रुपया कर सकते हैं। इसके जो इसमें चार्ज है वो 150 है प्लस GST। यहाँ पर जितनी चार्जेस है वो एक्सक्लूडिंग ऑफ GST है, आपको 18% GST अलग से लगेंगी। और रिप्लेसमेंट चार्जेस, आपने कार्ड लिया और खो गया, फिर से इसको रिप्लेस करवाने जा रहे हैं, जिसको डुप्लीकेट कार्ड भी कहा जाता है, तो उसके लिए भी आपको 250 प्लस GST देने होंगे। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको 250 प्लस GST देने होंगे रुपए क्लासिक में। अब हम देखेंगे रुपए प्लैटिनम। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की कार्ड होती है और ये प्लैटिनम होती है। इसमें आपका नाम एम्बॉस होता है। तो इसकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट 30,000 रुपया रखी गई है, जहाँ क्लासिक की लिमिट 20,000 रुपया थी। और डेली POS एंड ई-कॉम लिमिट 75,000 रखी गई है, जो क्लासिक में हमने 50,000 रुपया देखा था। इसकी इसमें चार्ज 250 प्लस GST है और रिप्लेसमेंट चार्ज 350 रुपया प्लस GST और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी इसमें चार्ज के बराबर 250 प्लस GST रखा गया है। अब हम देखते हैं वीजा की वेरिएंट, वीजा क्लासिक। वीजा क्लासिक और रुपए क्लासिक की सब लिमिट सेम है। दोनों में कैश विड्रॉल लिमिट 20,000, POS ई-कॉम 50,000, इसकी भी इसमें चार्ज 150, रिप्लेसमेंट चार्ज 250 और फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 250। वीजा की खासियत यह है कि यह ग्लोबली एक्सेप्टेड कार्ड है, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी कैश विड्रॉल और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वीजा गोल्ड। ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की कार्ड है, इसकी डेली विड्रॉल लिमिट 30,000 है और डेली POS और ई-कॉम लिमिट 70,000 और इसकी जो इसमें चार्ज है 250 प्लस GST, रिप्लेसमेंट चार्ज 350 प्लस GST और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है 250 प्लस GST। इसमें भी आपका नाम इम्बॉस रहता है, ये पर्सनलाइज कार्ड होती है। और जो वीजा के प्लैटिनम वेरिएंट है, ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की मानी जाती है। इसकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट 20,000 रखी गई है और डेली POS और ई-कॉम लिमिट को 2,00,000 रुपया रखा गया है। 2,00,000 आप पर डे स्वाइप करके शॉपिंग कर सकते हैं या फिर ई-कॉम के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। इसके इसमें चार्जेस 250 प्लस GST और रिप्लेसमेंट चार्जेस 400 प्लस GST और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 प्लस GST रखी गई है। जो सबसे हाई प्रीमियम वेरिएंट क्वालिटी के कार्ड इंडियन ओवरसीज़ बैंक में है वो वीजा सिग्नेचर है। ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है बहुत सारे कंट्री में, फॉर मोर देन 200 कंट्रीज। इसकी जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो 50,000 पर डे है। डेली जो आप POS या ई-कॉम में आप शॉपिंग कर सकते हैं वो 2,70,000 रुपया डेली है और इसकी इसमें चार्जेस 400 रुपया है और रिप्लेसमेंट चार्ज 750 प्लस GST और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसकी काफ़ी हाई है 850 प्लस GST। इसमें आपको और भी बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है, जैसे आप एक क्वार्टर में 2 बार एयरपोर्ट की लॉन्च आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलती है इन बिल 2,00,000 रुपये की। और भी खूब इसमें खूबियाँ हैं और जो मोस्ट इसकी सबसे अच्छी खूबी है कि ये पूरी ग्लोबली एक्सेप्टेड है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, अब्रॉड में भी। अब हम देखते हैं मास्टर की। मास्टर की सिर्फ एक ही वेरियंट इंडियन ओवरसीज़ बैंक अब सप्लाई करती है, जो गोल्ड। इसकी जो कैश विड्रॉल लिमिट और POS लिमिट वो रुपये क्लासिक और वीजा क्लासिक जैसी है, 20,000 रुपया और POS लिमिट 50,000 रुपया। इसमें चार्ज 150, रिप्लेसमेंट चार्ज 250 एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 250 प्लस GST। सर दोस्तों, ये थी कुछ वेरिएंट जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की डेबिट कार्ड अभी जो मार्केट में चल रही है, जो अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।